आज अभी इस गांव में नांगर कोहरा में चुनावी मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में आए हो, तो क्या है आपका मेन, जनता को किस टाइप से आप अपनी बातें को रख रहे हैं? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पूरा महिलाएं हैं और हम लोग जनता के बीच निरंतर जा रहे हैं और अपने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है श्रीमती गीता साहू जी, उनको वोट करने के लिए कमल छाप पे सभी को प्रेरित कर रहे हैं। और हम लोग का मुद्दा है कि जो कांग्रेस की सरकार ने पिछले 2018 में घोषणा किए थे शराबबंदी का, महिलाओं का, समूहों का कर्जा माफ़ी का, बेरोजगारी भत्ता का, तो ये सब मुद्दा को उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है। जो पिछले घोषणाएं किए थे उसी को अभी तक पूरा नहीं किए हैं और अभी कर्जा माफ़ी का घोषणा किए हैं, तो इस समय उनका ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं ना, वो नहीं चलेगा। जीतेगा तो भाजपा ही, भारतीय जनता पार्टी ही आएगी हमारी खुज्जी विधानसभा में और सरकार भी हम पूरे भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे। नाम आपका? मेरा नाम श्रीमती किरण वैष्णव, जनपद अध्यक्ष छुरिया। आपके सरकार जो है घोषणा कर रहे कांग्रेस सरकार रहा कर्ज माफ़ी के, तो किस टाइप से प्रचार करके जन तक ले जात हो आप? कर्ज माफ़ी तो बढ़िया है और जन जन तक हम घर घर में जाके पहुँचाते हैं ये बात ला, आम मतदाता है वो खुश है ना। और कांग्रेस के फिर से सरकार बनी और 75 पार हुई, इतना विश्वास है आप? हाँ बिल्कुल विश्वास है। भूपेश बघेल जो के हमार काका है वो लोग करत है ना, और करके दिखाते भाई, ऐसे नहीं कि खाली घोषणा बात से, ऐसे नहीं। खुज्जी विधानसभा में तो भोला राम जो साहू है वो कितना मतों से आगे निकली हुआ? 15 से 20 हजार मत से आगे निकली। रोड के एक बार